मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से करने लगा हूँ और मैं बड़ी दलेरी से करने लगा हूँ। ये भी फासद नज़रिया है कि ना सुन्नत पे अमल किया जाए, ना शरीयत पे अमल किया जाए, ना नमाज की पाबंदी की जाए, ना हलाल हराम की तमीज़ की जाए, और डट के कहा जाए कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है माफ़ कर देगा, और डट के कहा जाए कि दोजख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, ये भी फासद नजरिया है, फासिद। ये भी आप लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। जिनकी शफात की आप बात करते हैं उनका हुक्म क्यों नहीं मानते? अपने बारे में आप ये बात करें ना कि मेरा बच्चा बिल्कुल नाफरमान है, एक बात भी नहीं मानता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जायदाद उसे दूंगा। करें बात आप ये, मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान है, कुछ पढ़ता नहीं लिखता नहीं पर मुझे बड़ा लाडला है। करें बात आप, जो बात आप अपने लिए कबूल नहीं करते वो फटाफट अल्लाह रसूल के लिए, नहीं जी नहीं, ये अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मौली साहब छोड़ो, अल्लाह बड़ा करीम है। ओ भाई रब करीम है, पर रब का कानून भी तो है ना। नबी पाक बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, बड़े मेहरबान, पर सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला ना फरमाने लगी, अपनी जात के लिए नबी पाक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अगर कोई अल्लाह की हद तोड़ता था ना, रब के दीन की हुदूद पामाल करता था तो हुजूर जलाल करते थे। तो रहमत अल्लाह आलमीन, नबी को तो जलाल आता है जब अल्लाह की नाफरमानी होती। और यहां लोग कह रहे हैं, और छोड़ें जी अल्लाह माफ करने वाला है, नात खाता है वो दो मिनट लगाता है कहता है तू जन्नती, खतीब आया तो दो मिनट लगाए तो कहा जन्नती। मैं एक जगह पे तकरीर करने के लिए चला गया तो मैंने वहां चंद बातें कर दी, तो मैं खाना खाने बैठा तो बड़ी दलेरी से एक साहब कहने लगे, जी मौलाना पीर साहब नाराज ना होना, हम कलंदर लोग हैं, हम कलंदर बंदे हैं, नाराज ना होना, हम तो समझे थे आप खानकाही आदमी हैं, पीर आदमी हैं, लेकिन आपने तो खुश्क मौलवियों जैसी तकरीर की है, बार बार वही नमाज की बात, दाढ़ी की बात, रोज़े की बात, हलाल हराम की बात, कोई नुक्ता फरीनी करते, कोई आप कोई नुक्ता सुनाते, ये आपने क्या सुनाया? ये तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि तुम कलंदर हो। तुम कलंदर नहीं, तुम पागल हो। अगर कोई अच्छा डॉक्टर मिले तो जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ, इसलिए कि कलंदर उसे कहते हैं जो जाते मोहम्मद से खोल के इश्क किया करता है, और आशिक तो मर जाता है उस बात पर जो उसका महबूब कहे, वो तो मर जाता है उस रास्ते पर जो एक रास्ता महबूब दिखा दे। तू कलंदर है, मैं तुझे बताता हूं, कलंदर का नाम हसन बसरी है, कलंदर का नाम जुनैद बगदादी है, कलंदर का नाम दाऊद ताई है, कलंदर का नाम सिर्री सख्ती है, कलंदर का नाम मारूफ करखी है, कलंदर का नाम मुजद्दद अल-फ़िसानी है, कलंदर का नाम मेहरे अली है, कलंदर का नाम जमाते अली है, कलंदर का नाम अहमद रजा बरेलवी है। ये कलंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन। हमने क्या मजाक बनाया हुआ है? फासद नजरियात आप लोगों में फैला रहे, और आप चूंकि आपका मिजाज है कि आप अमल नहीं करना चाहते तो आप लोगों को भी गड़बड़ नजरिया दे रहे हैं। कतन ऐसी किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, याद रखना। नबी पाक अलैहि सलाम तो नाराज हो जाते अगर अल्लाह की हद तोड़ी जाती, और यहां ढटाई के साथ दलेरी के साथ आप हुदूदुल्लाह पामाल करें। ये फासद नजरियात हैं, याद रखना, फासद जो जमाने में फैलाए जाते। मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया वो बंदा बेवकूफ है जो डट के अल्लाह की नाफरमानी करे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखे, ये तो बेवकूफ आदमी की अलामत। तो मेरे दोस्त अमल वाली जिंदगी पे आओ, ये फासद नजरियात जो है इनसे नहीं।